दोस्तों भारत और अमेरिका मिलकर के एक ऐसे नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने जा रहे हैं जो दुनिया के इतिहास में अभी तक पहले किसी भी कंपनी की तरफ से नहीं किया गया है। बनने वाले इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो भी दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, जो भी एयरक्राफ्ट इंजन को बनाना चाहते हैं या फिर उनके पार्ट्स को इम्पोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा का पूरा एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा जहां पर उनको फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाएंगी। साथ ही साथ उनको अदर कंट्रीज के कंपेरिजन वाले रेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो कम से कम रेट पर उन कंपोनेंट्स को खरीदें और असेंबलिंग अपने कंट्री में बड़े स्केल पर कर पाए। और दुनिया की इस नई और बड़ी शुरुआत को करने के लिए कदम उठाया है भारतीय कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और अमेरिकन कंपनी हनीवेल एरोस्पेस। ये दोनों कंपनियां आपस में पार्टनरशिप कर चुकी हैं जिसकी मदद से एक नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाएगा जहां पर एयरक्राफ्ट इंजन, एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स की सप्लाई की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आप पिछले 5 से 10 सालों का इतिहास खोल करके देखें तो सभी चीजों को काफी बड़े स्केल पर डिजिटलाइज किया गया है, लेकिन एरोस्पेस इंडस्ट्री आज भी वैसे ही ऑफलाइन मोड पर चल रही है क्योंकि यहां पर ये इंडस्ट्री डिफेंस से जुड़ी हुई है और यहां पर ज्यादा जो पार्टनरशिप है वो दो कंट्रीज के बीच में की जाती है और यहां पर कंपैरिजन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि कौन सी कंट्री हमें कम से कम रेट पर वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन यहां पर TCS और हनीवेल मिलकर के इस नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करेंगे जहां पर इसका नाम दिया गया है न्यूरल मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए दोनों कंपनियां काफी टाइम से बात कर रही हैं और न्यूरल ने एनालाइज किया है कि 10 हफ्ते के अंदर उन्होंने लगभग $1 मिलियन के इन कंपोनेंट्स को सप्लाई किया है। वहीं उन्होंने इसके लिए वेबसाइट पर जाकर एनालाइज किया तो पता चला कि $300 मिलियन से भी ज्यादा के लोग इन चीजों को खरीदने में इंटरेस्टेड है, जहां पर 2000 से भी ज्यादा लोग रिपोर्टिंग कर चुके हैं इन कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री से भारत को भी काफी बड़े फायदे होने वाले हैं क्योंकि हम भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री हमें सस्ते रेट्स पर वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकती है। बात करें हम इस नए प्रोजेक्ट के बारे में तो यहां पर जितनी भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं उन सभी को शॉर्टलिस्ट करके ऐड कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा। इसी के साथ में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी नया उछाल देखने को मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ समय पहले इंफोसिस और रोल्स-रॉयस के बीच में भी एक पार्टनरशिप की गई है जो भारत के अंदर एक डिजिटल इनोवेशन सेंटर को ओपन करेंगे ताकि जो भी छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो भी ऐसे एयरक्राफ्ट या फिर एरोस्पेस से जुड़े हुए कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए उन्हें विदेश भेजना पड़ता है, लेकिन अभी टेस्टिंग भारत में ही कर ली जाएगी जिसकी वजह से कंपनियों का समय और पैसा दोनों बचेगा और मैन्युफैक्चरिंग बहुत जल्द शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों TCS और हनीवेल के हुई इस नए तरीके की पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों का क्या कहना है जहां पर सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के सही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।